नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल 20 फरवरी को तीसरे चरण की 59 सीटों पर मतदान है और 59 सीटों में से आने वाली एक सातवा विधानसभा 79 सातवा विधानसभा क्षेत्र उस सीट के एक गांव में मौजूद हैं। नगला धर्मा ये गांव है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कल ये मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे, किस पार्टी को करेंगे, सब कुछ जानेंगे। सर बहुत स्वागत है जी। कल मतदान है आपकी विधानसभा सीट पर जी, मालूम है आप सभी को जी। तो क्या माहौल लग रहा है एक दिन पहले का? देखिए, माहौल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का माहौल है, क्योंकि पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी लगभग यहाँ से 30,000 वोटों से जीती थी जी। और तमाम जो वजूद दिखाया जा रहा है कि RLD का दिखाया जा रहा है। देखिए, RLD का हर बार हल्ला होता है, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखिए, BSP का जो वोटर है साइलेंट वोटर होता है, तो वो हल्ला नहीं करता है। वो वोट देकर EVM पर वोट देकर बताता है कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा है। किन मुद्दों पर इस बार वोट? वोट मुद्दे वही ज़्यादातर, BJP सरकार ने जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो BJP ने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए BSP की तरफ निगाह बना हुआ है जी। BSP की तरफ जी। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कैसे हैं? डॉक्टर अविंद शर्मा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर की उपाधि है। और जनता, और देखिए, निष्पक्ष आदमी को चाहती है जनता, ईमानदार आदमी को चाहती है, और योग्य आदमी है जनता, हर वर्ग हर जाति का उनको वोट मिलता है। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू सिंह है। क्या लग रहा है कल मतदान है, किन मुद्दों पर, किस पार्टी को? मुद्दों पर क्या कि जो हमारे यहाँ जो बसपा है, बसपा का जो हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनका शासन तो शायद किसी भी वर्ग का हो वो सबको अच्छा लगता है। और लेकिन हमारे यहाँ जिस सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से बसपा ही निकलती है और निकलेगी 100% श्योर। रामवीर उपाध्याय हट चुके हैं पार्टी से, ब्राह्मण समाज के वोट नहीं आएंगे तो कैसे? ब्राह्मण समाज के 50% से ज्यादा वोट हैं बसपा में इस टाइम भी। आज इस टाइम भी रामवीर उपाध्याय ही तो निकले हैं, लेकिन जो दूसरा प्रत्याशी है डॉक्टर अविंद शर्मा, वो भी ब्राह्मण है भाई, वो भी तो ब्राह्मण है, उनका भी तो समाज में प्रभाव है। उनके पिताजी हैं लॉर्ड साहब, जिनको कहते हैं RPM में बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, तो वोट का ले पाएंगे ब्राह्मण? क्यों नहीं ले पाएंगे भाई, वो भी ब्राह्मण समाज से। 50% वोट है, 50% आ रहा है इस बार, 100% आ रहा है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो बिरादरियां हैं, वाल्मीकि समाज, सबका आएगा, सबने देख लिया BJP का कैसा विकास है, कैसा क्या क्या शोषण हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सबने देख लिया। क्या बटन दबेगा कल हाथी का? हाथी पे ही बटन दबना है और दबेगा, और 100% निकलेगी बसपा की सीट। क्या नाम है दादा? जगदीश है। क्या करते हैं आजकल आप? घर ही काम का वजू करते। मालूम है कल चुनाव है, मतदान? हाँ, पता है। तो क्या सोच समझ के बैठी हुई हो आप एक दिन पहले? हाथी वोट देंगे और क्या? नहीं, हाथी को तो वोट दो, क्या क्यों दोगे उसे? अरे, विकास कराया मायावती ने, ये कोई करा रहे हैं विकास? तेल की कीमत होगी शायद 200 रुपये किलो, सरसों तेल की, क्या है इन पर? ट्राम बाजी रह जाती है, आज सब करेंगे बिजली माफ। आज के अखबार में देख लो कि इलेक्शन बाद ही बिल बढ़ जाएंगे, हैं? अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ेगी तो इस बार यहाँ की जनता आपके क्या लगता है किसको वोट दे रही है? BSP को देगी वोट। क्या नाम भाई? अरविंद कुमार। क्या माहौल लग रहा है कल मतदान करने जाओ, कोई सोचा होगा भविष्य के बारे में कौन पार्टी आपका भला कर सकती है? BSP कर सकती है। हाँ जी, BJP ने तो खा गया पूरे देश को, BJP खा गई, पूरी खा गई सर। अच्छा, तो फिलहाल कल किसका बटन दबेगा? हाथी का दबेगा। आप ही दबाओ या पूरी विधानसभा? सब पूरी विधानसभा जबे। हाथी चल रहे भैया। क्या हाथी चल रहा है? हमारे तो क्या चल रहा है, हाथी पे चल रहा है। अरे, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं है आपसे। कम सुनते ही है, मैं तो कम सुनूंगा जो। अच्छा, तो वैसे हाथी चल रहा है। अच्छा, क्या वैसे क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, युवा है, कल मतदान है भैया, आपको पता हुआ? पता हुआ, बिल्कुल पता, मतदान है कल। क्या लग रहा है, क्या लग कर रहा है? सोच समझ के बैठे हो आप? सोच समझ के सीधे बैठेंगे, यहाँ पे गुड्डू चौधरी जीतेंगे। अच्छा, सीधी बात है, गुड्डू चौधरी जीतेंगे यहाँ पे। अच्छा, कितने मतों से लगभग? मतलब 20,000 के लिए बेटर। आपने गुड्डू चौधरी को जिता दिया मान लीजिए, और फिर भी आपने सोचा होगा क्या भविष्य, आप क्या देखो? इससे कहा है योगी राज में 5 साल में एक बार भर्ती आई, वो पेपर क्लियर ना हुआ आर्मी को, नहीं तो साल में 3-3 भर्ती लगती है एक बार में।
अब बता, 5 साल में एक भर्ती लग रही है, पिछली फरवरी की लग रही है, अभी तक आपको पेपर क्लियर ना हुए तो कहा वो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? भारतीय जनता पार्टी से नाराज ना, मतलब भविष्य से नाराज ना, कि नौकरी ना दे रही सरकार, 70 लाख 80 लाख नौकरी नहीं वादा करो, 4 लाख नौकरी मिली बात तो बताओ। आप भी कल मतदान करो, क्या सोच समझ के बैठे? अजुना भैया हम लोग गुड्डू चौधरी देंगे, स्पष्ट है। सोचा तो होगा वोट करने से पहले किन मुद्दों को क्या चाहते हो क्या नहीं? कोई मुद्दा ना तो वहाँ तो ये रोजगार का मुद्दा है, रोजगार दो टाइम टू टाइम सरकार काउ की बने, हम बात तो कोई मतलब ना, हमें रोजगार से मतलब हो, युवाओं के भविष्य से मतलब हो, और किसानों को सम्मान हो, किसान नहीं बढ़िया पार्टी हुई और रोजगार दे सरकार कोई हो, हमारा तो जिस संदेश हो पहुँचाए जाके और पहुँचान हो, चाहे सरकार काउ की बने। तो अभी मतदान से एक दिन पहले का जो नज़ारा है, उनकी बातें हैं, क्या सोच समझ के जनता बैठी है, वो हम आपके बीच रख रहे हैं फिलहाल, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, तो आइए हमारे साथ। कुछ युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दयालपुर, दयालपुर मुरसान विधानसभा सादवाद। अच्छा, कल मतदान है आपकी विधानसभा में, क्या सोच समझ के बैठे हैं? सोच समझ के बैठे हैं, BSP को वोट देने वाले हैं, जो जो हमें अच्छी तरह से मत देगी, वो शिक्षा देगी, और मतलब शिक्षा में बहुत कुछ पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और आगे भी अगर शासन बना तो बहुत कुछ देगी हमको, बहुत कुछ देगी। चलिए, तो BSP की यहाँ से इन्होंने कहा, इनकी बातों पर फिलहाल अपनी आप कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन TV YouTube चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। शान से क्या कुछ करते हैं आप? कुछ ही ना है। अच्छा, कल आपको मतदान है, कल वोट करोगे, कोई जानकारी है? हाँ, हाथी की है वो तो आपको, ठीक है, पर फिर भी आपको ये तो मालूम होगा कल मतदान है? हाँ है। अच्छा, तो किस पार्टी को, क्या सोच समझ? हाथी 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 कोई क्यों? हाँ, RLD हाथी। कौन जीत रहा है वैसे? हाथी मायावती।